हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटीएफ क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आया और उसकी लास्ट डेट भी फिनिश हो चुकी है। अब आप लोग तैयारी में लग जाइए। आप लोगों की मांग को देखते हुए एलटीएफ क्लासेस ने ये निर्णय लिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सीटेट के बच्चों को किस तरह से पास किया जाए। तो साइको की क्लासें पहले से चल रही थी इस क्लासेस पर, अब हिंदी की बारी आई है। इसी तरह से और भी क्लासें आप लोगों के बीच में चलेंगी, लेकिन देखते हैं हिंदी को छात्र हल्के में लेते हैं और बाद में ये पता लगता है कि सबसे कम नंबर हिंदी में ही आते हैं। जैसे एलटीएफ क्लासेस ने जो लिखा है, अब की बार हिंदी 30 में 30 पार। हाँ, हो सकता है हिंदी में नंबर पूरे लाना ये संभव है और लिए भी गए हैं। तो आइए देखते हैं हम एलटीएफ क्लासेस में किस तरीका से सीटेट जुलाई 2023 का जो ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों के बीच में होगा, उसमें हिंदी 150 मार्क्स में से 30 नंबर की आती है। और 30 नंबर जो हिंदी के हैं प्यारे दोस्तों, वो भी दो दो भागों में डिवाइड हैं। नंबर एक जो 15 नंबर के गद्यांश पद्यांश आएंगे और नंबर दो पे पैडागॉजी जो आएगी ये 15 नंबर की है। यानी ये जो नीचे वाले 15 नंबर हैं ये छात्र बिना पढ़े भी 15 में से 8 ले सकते हैं, लेकिन बच्चे नंबर छोड़ के आते हैं ऊपर वाले व्याकरण से। देखा गया है 15 में से यहाँ से दिक्कत होती है, जो कहने के लिए गद्यांश पद्यांश जो होता है। देखा ये गया है कि हिंदी में बच्चों को भ्रांतियां पहुंचाई जाती हैं कि व्याकरण आता नहीं है, लेकिन देखा यह गया है कि 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसे 15 नंबर में मतलब गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलाकर के 15 से 16 17 18 भी हो जाती है। कभी कभी ऑनलाइन हुआ था उसे पहले से 15 क्लियर आते थे, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर में से 5 नंबर डायरेक्ट पैसेज में से मिल जाते हैं। इन्हीं 5 नंबर को देख करके छात्र बड़े खुश होते हैं कि हमने जो देख करके आंसर टिक मार दिया, लेकिन उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं उन पर टिक करने के लिए यहाँ पढ़ाई की जरूरत होती है। तो मैंने यही सोचा है, हालांकि एलटीएफ क्लासेस चाहती सबसे पहले पैडागॉजी की प्रैक्टिस करवा देती जो हमें भी आराम था तुम्हें भी आराम था पढ़ने में, लेकिन ये आराम आगे चल करके समस्या बन सकता है। मैंने इन्हीं चीजों को देखते हुए आप लोगों की जड़ मजबूत करने के लिए अभी समय है और 30-35 क्लास में हिंदी का सारा सिलेबस पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। तो आइए देखते हैं हिंदी किस तरीके से हम कवर करेंगे। सीटेट 2023 हिंदी पाठ्यक्रम, नीचे लिखा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, देखा गया है कि छात्र सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कम पढ़ करके भी ज्यादा अंक लाते हैं। देखा गया है कि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने वालों को मेहनत ज्यादा ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन नंबर इतने नहीं आ पाते हैं। जो स्मार्ट अप्रोच रखते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, उनके नंबर अच्छे आते हैं। और आजकल उसी की पहलू है समाज में, जो अच्छे अंक प्राप्त करे, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद ही मेरिट में नंबर आता है। तो अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना से भी जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, यूट्यूब पर सारी वीडियो पढ़ी है, लेकिन एलटीएफ क्लासेस पे जो भी हम क्लासेस देंगे जो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। आप लोगों के बीच में ये दिख रहा है हिंदी व्याकरण के 15 अंक, और ये इधर प्लस में लिखा है पैडागॉजी के 15 अंक, दोनों मिलाकर के 30। तो सबसे पहले देखा गया है कि जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं एग्जाम हॉल में वो हिंदी व्याकरण है। हालांकि ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि संधि क्या है समास क्या है, लेकिन जो गद्यांश और पद्यांश के जो क्वेश्चन होते हैं तो उन्हीं में से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछ ले बताओ उसमें क्या संधि है, उसमें लिंग पूछ लेगा, विलोम पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ सकता है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं नंबर एक पर आप लोग देख रहे हैं, देखिए जो नंबर एक पर वर्णमाला, वर्णमाला नंबर दो संधि। तो मतलब सबसे पहले हम आपको वर्णमाला अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि जब तक हम वर्णमाला नहीं कराएंगे आप संधि समझ नहीं पाएंगे।
और जब संधि समझ में नहीं आएगी तो समास क्या रटे के काम चलाओगे, नहीं हो सकता ऐसा। इसी क्रम से ये जो हमने टॉपिक रखे हैं इन्हें बारी बारी से समय को देखते हुए जितनी मांग है सीटेट की उसी के हिसाब से हम इनमें बताएंगे। हालांकि किसी टॉपिक को ले तो 10 दिन भी निकल सकते हैं, लेकिन आप लोगों के नंबर पूरे कराने के पहला मेरा फोकस है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम हो सकता है आपका, तो उसी के आधार पर हम इन टॉपिक उतना ही बताएंगे जितना जितना सीटेट पूछता है। हालांकि यूपी टेट में गहराई से पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में इतना नहीं पूछा जाता है। तो वर्णमाला संधि समास संज्ञा अगर एक बार में समझ में आ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि पैडागॉजी कराने से पहले हम इन टॉपिकों को पहले आप लोगों के बीच में सॉल्व कराएं, क्योंकि पैडागॉजी प्रैक्टिस करने में हमें भी आनंद आएगा तुम्हें भी। लेकिन कुछ होता नहीं है, कितना भी पढ़ाओ पैडागॉजी हो सकता है आपसे निकल जाए, और हो सकता है बिल्कुल न पढ़ो फिर भी 10 कर दो 15 में से। लेकिन देखते हैं जो मेन टॉपिक है वर्णमाला हम कराएंगे, फिर उसके बाद संधि समास जब एक क्रम से कराएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे, सर्वनाम कारक वाच्य उपसर्ग प्रत्यय काल अलंकार मुहावरे लोकोक्तियां कभी कभी पूछ ली जाती हैं, और नीचे जो लिखा है अपठित गद्यांश पद्यांश ये 15 नंबर के आते हैं। बस इन्हीं में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं। कहने के लिए गद्यांश पद्यांश आते हैं, लेकिन सारी ये चीजें इसमें छिपी हुई हैं। तो आप लोगों को आगे देखेंगे, और सीटेट में पहले सिलेबस हम पूरा कराएंगे, उसके बाद में पाठ्यक्रम कराने के बाद में फिर हम कराएंगे प्रैक्टिस। जो चीजें छूट जाएंगी वो प्रैक्टिस के द्वारा पूरी कराई जाएंगी। पैडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट करा देंगे कुछ क्लासों में, और जो चीजें छूट जाएंगी उन्हें प्रैक्टिस के माध्यम से पूरी कराएंगे। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब सीटेट का एग्जाम होगा तो 30 में से आपका स्कोर 27, 28, 29 यहां तक पहुंचेगा, और यहां तक आए भी हैं। तो अब आगे देखते हैं, तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अगर सीटेट में हिंदी के लिए तुम्हें कोई परेशानी है तो आज से वो परेशानी तुम्हारी सॉल्व हो चुकी है। ज्यादा नहीं 35 क्लासें हम डालेंगे, और 35 क्लास होने के बाद में और भी क्लासें हम उसमें ऐड करेंगे, लेकिन 35 क्लास में सारा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस इतनी अच्छी कराएंगे जब तक आप पेपर देने के लिए जाएंगे तब तक कोई चीज छूटेगी नहीं। और इसी एलटीए क्लासेस में आप लोग देखेंगे, अभी हिंदी की क्लास हमारे हाथों में आ गई तो हिंदी को हम पूरा करेंगे, और साइको के हमारे सर रमेश सर आपको पूरा कराएंगे, और साथ ही साथ ईवीएस को अच्छी तरह से देखा जाएगा। उसके बाद में इसमें इंग्लिश की भी क्लास इसी चैनल पर आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि 150 मार्क्स जो तुम्हारे आएंगे उन्हें सॉल्व किया जाएगा, लेकिन संस्कृत की क्लास अभी इस चैनल पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि संस्कृत का कोई टीचर मिल जाएगा तो हो सकता है संस्कृत की क्लास इस पर डाली जाए। फिलहाल में समय की मांग है, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश लेते हैं, तो उसी के आधार पर सीटेट 2023 में इंग्लिश पढ़ाओगे तो और भी काम में आएगी इंग्लिश। इसलिए आप लोगों से कहना है कि जो 4 क्लासें अभी फिलहाल जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगी कंटिन्यूस, 1 क्लास की बात है वो भी आप लोगों के बीच में आएगी, तो आप लोग इस भरोसे को देखकर डर मत जाना, इन्हें कम समय में सीटेट की मांग के ऊपर करते चलेंगे, और जो जरूरी चीजें हैं उन्हें हम बताएंगे, क्योंकि समय इतना है नहीं है जो ज्यादा गहराई से आपको पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाएगी कुछ छूट न जाए, क्योंकि आप लोगों की चिंता हम लोगों को ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम होने के बाद ये क्लासें यूट्यूब चैनल पर अपलोड रहेंगी, उसके बाद अपना पेपर खोल के आप लोग क्लासों को चेक करना, ऐसी कितनी चीजें हैं जो इन क्लासों से अलग से आई हैं, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं आगे, अब आज के लिए इतना ही, और कल आप लोग इंतजार करेंगे, पहली क्लास हिंदी पर वर्णमाला भी आएगी, और इन्हीं शब्दों के साथ में विराम करता हूँ।